ये बात है तब की जब मोहन अपने दोस्त राकेश से मिलने उसके घर जाता है। वो बहुत दिनों से अपने दोस्त से नहीं मिला, जब से उसने अपना कॉलेज बंद किया तब से। तभी वो अपने दोस्त राकेश के घर जा रहा है और अब वो सोच रहा है कि उसके घर जाऊं या ना जाऊं। अब वह यह ठान लेता है कि अब वह उसके घर जाकर ही रहेगा। तो मोहन सोचता है कि ला बहुत दिन हो गया, आज उसका घर जाकर ही रहूँगा। अब मोहन तैयार होता है अपने दोस्त से मिलने के लिए, जाने के लिए। अब मोहन तैयार होने लगता है और वो तैयार हो जाता है उसके बाद में। और उसके बाद में वह कहता है कि अब मुझे राकेश के घर जाना ही है। तभी वो अपनी बाइक लेकर राकेश के घर जाने की सोचता है। तभी उसका एक फ्रेंड होता है जो कहता है उससे कि अब उसका एक दोस्त होता है मोहन से कहता है कि अब तुम रहने तो जाने को 5 बज चुके हैं और अपनी बाइक से जाओगे तो कुछ भी हो सकता है, तो रहने तो जाने को। तो वो कहता है कि मुझे जाना ही होगा। अब उसका दोस्त कहता है तो रहने जाने को, तो बोलता मुझे जाना ही होगा। तो कहता है ठीक है भाई, तू इतना जिद्दी करा तो चला जा। अब वो अपनी बाइक पास आता है और बैठता है जाने के लिए। अब बस जा रहा है अपनी बाइक से और जो जा रहा है अपने दोस्त राकेश से मिलने। अब वह पहुंच जाता अपने दोस्त के पास, राकेश के पास। अब उसका दोस्त जो राकेश होता है वो बहुत ही खुश होता है अपने दोस्त से मिलकर। अब वो दोनों नाश्ता करने के बाद में अब वो दोनों कहते हैं, उसका जो दोस्त राकेश होता है वो कहता है चलो भाई बहुत दिन हो गए हमने कोई गेम नहीं खेला, चलिए लूडो खेल लेते हैं। तो वो कहता है ठीक है। तो वो लूडो खेलने लगता है और जो मोहन होता है वो कहता है चलो भाई आज कोई खेल खेला जाए। तो वो कहता है कि चलो ठीक है, हाँ कोई बढ़िया खेल खेला जिसमें ज़्यादा मजा आए। तो वो उसके बाद में मोहन कहता है चलो आज बुलेट मेरी गेम खेला जाए। तो राकेश डर जाता है और वो कहता है भाई मैं ये गेम नहीं खेल सकता। तो उसका दोस्त बहुत उसके पीछे पड़ जाता, तो उसका दोस्त राकेश मान जाता है। तो अब ये दोनों गेम खेलने वाले हैं बुलेट मेरी। तो एक मोमबत्ती और एक बच्चे का इंतजार देखता है और जैसे ही टाइम हो जाता है अब ये दोनों गेम खेलने जा रहे हैं। पहुंच जाते हैं आईने के सामने और 3 बार ब्लड मेरी ब्लड मेरी ब्लड मेरी कहने लगते हैं। और तभी कुछ ऐसा होता है, अब उनको कुछ महसूस हो रहा है धीरे धीरे। अब वो उसका जो दोस्त था राकेश वो काफ़ी डर रहा है और मोहन भी डरने लगा है। उसको तो भूत प्रेतों से पे विश्वास ही नहीं था, अब उसको भी डरने लगने लगा है। अब वो दोनों काफ़ी डर गए हैं और वो लोग सोच रहे हैं कि क्या करूं क्या करूं। और वहां से ब्लड मेरी निकलने लगती है और अब ये लोग ब्लड मेरी को देखकर डर जाते हैं और ये लोग बहुत तेज तेज से चिल्लाने लगते हैं। अब ये दोनों चिल्ला रहे हैं और वहां कोई था भी नहीं। अब उसके बाद में वो लोग सोच रहे हैं क्या करूं। तभी मोहन की वो आँख दोनों फोड़ देती है और ये देख के राकेश काफ़ी डर जाता है और काफ़ी तेज तेज से चिल्लाने लगता है। मोहन के काफ़ी दर्द हो रहा था आँखों में, इसलिए मोहन काफ़ी तेज तेज चिल्ला रहा है। उनकी मदद के लिए कोई भी नहीं है। अब ये लोग करें तो क्या करें, अब उनको क्या होगा, उनको कोई बचा ही नहीं सकता। अब वो लोग क्या करेंगे। ब्लड मेरी उनसे कहती है मुझे तुमने क्यों बुलाया। और ये जो उनका दोस्त था राकेश वो काफ़ी डर चुका है और अब वो डर के मारे उसकी आवाज़ भी नहीं निकल रही। और ब्लड मेरी उसकी भी आंखें फोड़ देती है
और उसके बाद वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। अब इसके बाद चंग की आँख खुलती है, तब उसके सामने ब्लड मेरी होती है। अब जहाँ वो खड़े थे वहाँ वो होते ही नहीं हैं, अब वो कहीं दूसरी जगह आ चुके हैं। अब वो लोग काफ़ी डर चुके हैं और अब वो लोग काफ़ी डरे हैं अब ब्लड मेरी से। कहते हैं मुझे माफ़ कर दो, दोबारा से ऐसा नहीं होगा। तब ब्लड मेरी उन दोनों को माफ़ कर देती है और जहाँ वो थे वहीं आ जाते हैं दोनों। मगर एक अफसोस की बात है कि उनको दोनों को अपनी आंखें खोनी पड़ी। दोस्तों ऐसे थी इनकी कहानी। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। वीडियो देखने